भिलवाड़ा के व्यापारी का अपहरण कर 50 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के मामले में 4 सातिर बदमाश गिरफ्तार। शहर के प्रतापनगर थाना इलाके में व्यापारी के साथ लूट और 50 लाख रुपए की फिरौती के मामले में पुलिस ने राजपास करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर इनसे फिरौती के 30 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। प्रतापनगर थाना प्रभारी बजन लाल ने बताया कि 11 जनवरी को कमला विहार निवासी 31 वर्षीय गुलसल नुधानी ने रिपोर्ट देकर कहा कि उसे अज्ञात लोगों ने अपहरण करके 10 तोला सोने की चेन और 15,000 रुपए लूट लिए। इसके बाद उन्होंने बंधक बनाकर 50 लाख रुपए की फिरौती वसूल ली। इस पर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह जोधा के नेतृत्व में COCT भंवर रणधीर सिंह के सुपरविजन में विशेष टीम का गठन किया और जांच के दौरान रवि उर्फ शूटर सूर्यवंशी, पिता देवेंद्र सूर्यवंशी खटीक निवासी दिल्ली, विनोद सिंह पिता भंवर सिंह चौहान राजपूत निवासी पंचवटी भिलवाड़ा, सन्नी ओढ़ पिता हजारी ओढ़ व राहुल ओढ़ पिता सावती ओढ़ निवासी हरणी महादेव रोड ओढ़ो का खेड़ा भिलवाड़ा को गिरफ्तार किया। दिल्ली का रहने वाला रवि हत्या के मामले में वांछित आरोपी भी है। जिला पुलिस अधीक्षक भिलवाड़ा ने घटना का खुलासा करने व आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली टीम के सदस्यों द्वारा उत्कृष्ट कार्य की प्रशंसा करते हुए हौसला अफजाई के लिए अलग से पुरस्कृत करने की घोषणा भी की है। भिलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। हां सर, दिनांक 11 जनवरी को फरियादी श्री गुलसेर लुधानी ने हमारे यहाँ पर एक रिपोर्ट पेश करी, जिसने बताया कि मैं 8 तारीख को चित्तौड़ पुलिया के पास जा रहा था, तब अचानक से पीछे से गाड़ी आई और हमारे आटे लगा के और मुझे अपहरण करके ले गए और उसके बाद में जो मेरे पास पैसे थे 15,000 रुपये वो सोने की चेन ले गए। उसके बाद में चाकू की नोक पे डरा धमका के फिरौती मांगी, जो करीब 50 लाख रुपए उससे फिरौती और वसूल की, फिर उसको लाके जंगल में छोड़ दिया। उसके बाद वो घर पे आया, काफी डरा होने के कारण 2-3 दिन बाद में उसने रिपोर्ट करी। इस पर रिपोर्ट होते ही श्रीमान एसपी साहब भीलवाड़ा ने विशेष रूप से इसको गंभीरता से लिया और एडिशनल साहब हमारे गजेंद्र सिंह जी जोधा साहब, CO साहब और रणधीर सिंह जी, इन सब ने हमें निगेट रूप से सुपरविजन करते हुए निर्देश देते हुए और इसके ऊपर काम लगे हम, और हमारी पूरी टीम ने इसमें बहुत ज्यादा गहनता से इसमें कार्य करते हुए 4 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से अभी तक 30 लाख रुपए बरामद कर लिए। शेष राशि और जो मुलजिम है वो गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, राशि बरामद करेंगे। सर, और भी कुछ खुलासा? हाँ, इससे जो एक जो मुलजिम है इसमें दिल्ली का रहने वाला है, खजूरी खास का, उसने अपने दोस्त की वहां पे दिल्ली में मर्डर करना बताया है, जिसमें अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है और मर्डर भी शायद अभी खुलासा हुआ नहीं, अनट्रेस्ड मर्डर है वो भी, और भी उसने कुछ लूटे घटनाएं बताई है, वो भी खुलासा नहीं हो सका। इनका और कोई किसी गैंग से संबंध है क्या? अभी तक सर किसी गैंग से संबंध सामने नहीं है, अभी आज गिरफ्तार किए, आगे जांच करेंगे।